अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। Thank you.
आदिवासी दिवस पे पूरे देवास जिले का यहाँ पर जुलूस निकला था। उस संबंध में यादव युवा संगठन द्वारा यहाँ पर गवली मूल्य चौराहे पर उनका सभी युवा साथियों द्वारा स्वागत रखा गया था। कितने वर्षों से निकल रही है यात्रा? ये विगत 5 वर्षों से यात्रा निकल रही है। आपका नाम? राजेश यादव। राजेश, किस तरह के जुलूस निकाला जा रहा है? ये विश्व आदिवासी दिवस है। ये विश्व के 90 देशों में निकाला जाता है। 1988 से 1982 से ये UNO ने ये हमें विश्व आदिवासी दिवस के रूप में हमारी संस्कृति एवं हमारी बोली बोलचाल शिक्षा संस्कृति को बचाए रखने के लिए ये एक प्रदर्शन किया जाता है और शासन प्रशासन को ये बताया जाता है कि हम अभी जीवित हैं और ये देश के मूल मालिक हैं और मूल मालिकों के साथ में किस प्रकार से आपको व्यवहार करना चाहिए, ये संदेश दे रहे हैं हम लोग। और हमारी संस्कृति को अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के हम लोग हैं यहाँ पे इस भारत में। हम करीब 12 करोड़ लोग रहते हैं जिसमें मध्य प्रदेश में 1.25 करोड़ लोग हैं और यहाँ की 21% पॉपुलेशन होने के बाद भी हमारे साथ में अन्याय अत्याचार होता है। फिर भी हम लोग शालीन हैं। हम भारत की शांति के लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं और एक संदेश दे रहे हैं भारत को कि आप सभी मिलजुल के रहें और शांति बनाए रखें। हमारा देश महान देश है। ये विभिन्नता का एकता का देश है और सभी लोग मिलजुल के रहें, यही संदेश देना चाहते हैं हम। दयाल सिंह उइके, शहर अध्यक्ष देवास, गोंड समाज। की ये यात्रा निकल रही है, ये विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य पर आदिवासियों के मूल अधिकारों, उनके सामाजिक आर्थिक अधिकारों के बारे में, न्यायिक अधिकारों के बारे में प्रतिवर्ष 2 अगस्त को आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी उपलक्ष्य में आज देवास जिले में और देवास जिलों के निकट स्थित छोटे मोटे जो गाँव हैं वहाँ से आदिवासी हमारे सगाजन भाई बहन बड़े बूढ़े बच्चे लोग यहाँ पर इस जो रैली निकाली जा रही है देवास में इसके उपलक्ष्य में आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में उसमें सम्मिलित हुए हैं और सम्मिलित होकर बड़ी संख्या में सम्मिलित होकर इस रैली को उन्होंने सफल बनाया है। कितने आदिवासी समाज के लोग यात्रा में? लगभग 2500 से 3000 या 4000 के लगभग आए होंगे। आपका नाम? मेरा नाम श्रीमती मालती हाके। सर्वप्रथम मैं देवास जिले के सभी नागरिकों में को मैं विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज देवास जिले में हम गोंड समाज, भील, भिलाला, उराव, कोरकू, कर्मा सभी प्रकार के आज आदिवासी एकत्रित होकर हैं। हम इस दिवस को मनाया जा रहा है। ये आदिवासी दिवस हमारी मूल संस्कृति की एक झलक आपको देखने को मिलेगी। इसमें विभिन्न वेशभूषा में, सांस्कृतिक परिवेश में यहाँ सब लोग एकत्रित हुए अपनी बोलियों के, अपने बाजों वाद्य यंत्रों के साथ आज यहाँ हम नृत्य पेश कर रहे हैं और हमारी आम सभा होने जा रही है। ये यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई है और कहाँ तक? ये यात्रा भोपाल चौड़ा स्वास्थ्य गार्डन भोपाल चौड़ा से प्रारंभ होकर देवास के मुख्य मार्ग MU रोड होते हुए AB रोड होते हुए वापस अपने गंतव्य स्थल पर पहुँचेगी। राकेश कुमार। किसके द्वारा निकाली जा रही है ये? जो 193 देश जो हैं उसमें विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया है 9 अगस्त को, तो इसको हम आज विश्व आदिवासी दिवस को रैली के रूप में मना रहे हैं। किस तर्ज पर निकाली जा रही रैली है? भैया आज हम हमारी संस्कृति, कल्चर और हमारा सारा परिवेश समाज जन को दिखाना चाहते हैं। ठीक है, आपका नाम बताओ? प्रीतम सिंह।